बड़ी खबर सामने आ रही है। एसीबी मुख्यालय पहुंचे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और एसीबी इस साल के कामकाज को लेकर समीक्षा करेंगे। आपको बता दें कि बैठक से पहले एसीबी ने जारी किया है अपना रिपोर्ट कार्ड और इस साल जनवरी से लेकर सितंबर तक का रिपोर्ट कार्ड जो है वो जारी किया गया है। एसीबी ने पिछले साल के रिकॉर्ड को तोड़कर आपको बता दें कि 392 प्रकरण पीसी एक्ट के तहत यहाँ पर दर्ज किए हैं और इसमें 360 ट्रैप किए गए हैं, जबकि 17 आय के अधिक संपत्ति और इसके साथ ही पद के दुरुपयोग के जो रिपोर्ट है केस है यहां पर दर्ज हुए हैं। इस साल एसीबी मुख्यालय द्वारा 508 प्रकरणों में अब तक निस्तारण आदेश पारित किए गए हैं, जबकि 2021 की बात की जाए तो इसी अवधि में 548 प्रकरणों में और इसके साथ ही 2020 की अगर बात की जाए तो 179 प्रकरणों में निस्तारण आदेश यहां पर जारी किए गए थे। अब जारी आपको बता दें कि न्यायालय में एसीबी द्वारा प्रस्तुत की गई निस्तारण रिपोर्ट में इस साल अब तक की अवधि में रिकॉर्ड इस साल अब तक के 450 प्रकरणों में एसीबी के विशिष्ट न्यायालयों में नतीजा पेश किया गया है। इनमें से 360 चालान आपको बता दें कि 90 FR इसमें शामिल है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एसीबी मुख्यालय पहुंचे हैं और इस साल के रिपोर्ट कार्ड जो है वो एसीबी की तरफ से जारी किए गए हैं। इस साल में एसीबी की तरफ से जो भी यहां पर कार्य हुए हैं, जो भी केसेस और रेड यहां पर हुए हैं उनको लेकर समीक्षा करेंगे सीएम अशोक गहलोत। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहां पर एसीबी मुख्यालय पहुंचे हैं। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आशुतोष शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। आशुतोष, सीएम जो है एसीबी मुख्यालय पहुंचे हुए हैं और समीक्षा करने वाले हैं पिछले एक साल के, जिस तरीके से लगातार एसीबी जो है एक्टिव मोड में नजर आया है तो उनके कार्यों की अब समीक्षा यहां पर सीएम करने वाले हैं। आप देखिए, बिल्कुल राजस्थान में जहां तक एसीबी की बात करें तो ताबड़तोड़ जो एक्शंस हैं वो देखने को मिल रहे हैं। इस साल सितंबर तक का जो पूरा का पूरा एक रिपोर्ट कार्ड है वो अब से तकरीबन 2 घंटे पहले जारी किया गया एसीबी की तरफ से, और इस रिपोर्ट कार्ड में पिछले साल की अगर तुलना की जाए तो इस साल रिकॉर्ड कार्रवाई हुई है और साथ में रिकॉर्ड मामले दर्ज किए गए हैं। कोर्ट में जो तमाम मामले पहुँचते हैं उनका निस्तांतरण भी रिकॉर्ड स्तर पर किया गया। मेरे पीछे आप देखेंगे, देखिए एसीबी मुख्यालय जहाँ पे अब से कुछ देर पहले सीएम अशोक गहलोत पहुँचे और मुख्य सचिव के स्तर पे डीजी पीएल सोनी, गृह सचिव जो एसीएस होम होते हैं वो यहाँ मौजूद थे और उन्होंने बुके देकर उनको स्वागत, जो समीक्षा बैठक है राज्य स्तरीय वो उसकी जो शुरुआत है वो हो चुकी है। दरअसल राजस्थान एसीबी की बात करें तो इस साल की बात करें तो पिछले साल के जो तमाम जो रिकॉर्ड थे उनको तोड़ते हुए 392 जो केसेस हैं वो इस साल एसीबी में दर्ज किए गए, जिनमें से 360 रिकॉर्ड जो ट्रैप की कार्रवाई की गई है, 17 से अधिक जो आय से संपत्ति के मामले हैं, आय से अधिक जो संपत्ति होती है वो दर्ज किए गए हैं, 15 पद के दुरुपयोग के मामले दर्ज किए गए हैं। तो ये जो तमाम रिकॉर्ड है, ये जो तमाम डेटा है, ये बताता है कि कैसे राजस्थान के अंदर जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन के साथ में एसीबी लगातार कार्रवाई कर रही है। जी, डीजी बीएल सोनी, एडीजी दिनेश हेमन और उनकी तमाम पूरी की हर जिले की जो यूनिट है जिसमें सबसे अधिक अगर जहां तक कार्रवाइयों की बात की जाए तो जयपुर मुख्यालय के अंदर अंतर्गत आने वाली जयपुर जो चौकी, यहां सबसे ज्यादा एसीबी की तरफ से कार्रवाइयां होती हैं। आप देखेंगे कि एसीबी ने पिछले लगातार सालों में इस तरह की कार्रवाई की है जिसमें साफ ये मैसेज जाता है कि यहाँ आम से लेके खास तक, यानी कि छोटी मछली, बड़ी मछली, हर उस मछली को सलाखों के पीछे पहुँचाया है जिसने राजस्थान के बेहतर जो एक माहौल था, जो अच्छा एक माहौल था, सकारात्मक माहौल था, उसको खराब करने की कोशिश की है एक ऐसा रैकेट खड़ा करके जो कि भ्रष्टाचार का बड़ा रैकेट होता है। लगातार इस तरह की कार्रवाई हुई जिसके राजस्थान एसीबी का एक बड़ा नाम हुआ पूरे देश के अंदर और एकमात्र ऐसी एजेंसी है जो सबसे ज्यादा कार्रवाई करती हुई पूरे देश के अंदर दिखाई दे रही है। पिछले साल की अगर तुलना की जाए तो पिछले साल की तुलना में इस साल रिकॉर्ड कार्रवाई हुई है, रिकॉर्ड जो केसेस हैं वो दर्ज किए गए हैं एसीबी के स्तर पे और एक मैसेज देने की कोशिश की गई है। देखिए, तकरीबन एक साल से अधिक समय हुआ है, सीएम अशोक गहलोत खुद यहाँ पर आए थे, समीक्षा की थी और उन्होंने साफ मैसेज दिया था कि हम जीरो टॉलरेंस के साथ में काम करेंगे। ठीक है आशुतोष, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो मुख्यमंत्री गहलोत यहां पर पहुंच चुके हैं और समीक्षा बैठक भी यहां पर शुरू हो गई है। पिछले एक साल में जिस तरीके से भी की तरफ से ताबड़तोड़ यहां पर कार्रवाई की गई है उसको लेकर सीएम जो है समीक्षा करेंगे।